नमस्कार दोस्तों, तो Realme इसी महीने इंडिया पे एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और इस बार इसका नाम होगा Realme C25Y, जो कि काजल की जो ओरिजिनल वाला C25 था जिसका प्राइस है 10,000 रुपए, उसका थोड़ा सा लोअर एडिशन में लॉन्च होगा। तो इस वीडियो में देखेंगे जो Realme C25Y नाम का स्मार्टफोन आने वाला है, इसमें आपको एग्जैक्टली का स्पेसिफिकेशन, क्या डिजाइन मिलेगा और किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। अब देखिए, इसके नाम से आपको पता चल रहा है क्योंकि ये जो स्मार्टफोन Realme C25Y होने वाला है तो ऑब्वियसली इसका जो डिजाइन एग्जैक्टली Realme C25 के जैसा होगा। यहां तक जो कलर कॉम्बिनेशन वो भी कहा जा रहा है कि Realme C25 के जैसा होगा। इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 9.2 मिलीमीटर और इसका वेट होगा 195 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें मिलेगा 6.5 इंच HD+ IPS LCD डिस्प्ले। इसमें आपको ऑलमोस्ट 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा और इसमें आपको कोई भी हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा। प्रोसेसर की अगर बात करें, आपको इसमें मिलेगा हीलियो G70 प्रोसेसर, जो कि प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है क्योंकि इस प्राइस रेंज में ऑलरेडी लगभग सभी कंपनी हीलियो G80, G85, यहाँ तक G88 आने वाला है, तो इसलिए इसका जो प्रोसेसर वो थोड़ा सा लोअर मुझे लग रहा है। लेकिन जो मेन फीचर वो होने वाला है इसका कैमरा, क्योंकि इसका मेन सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का सेंसर, मतलब 64 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। ये जो स्मार्टफोन काजल की टोटल 3 वेरिएंट पे लॉन्च होगा, 464 GB, 4 120 GB और 6 120 GB। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X और इसका मेमोरी का क्वालिटी होगा eMMC 5.1 और इसके साथ आपको डेफिनेटली 2+1 का स्लॉट देखने को मिलेगा। बैटरी के मामले में आपको इसमें मिलेगा 5000mAh बैटरी, उसके साथ 10W का नॉर्मल चार्जर और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा USB Type-C। अगर इसके कुछ बाकी के फीचर की बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलेगा बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉइड 11 और 3.5 mm जैक वो देखने को मिलेगा। तो जो सबसे मेन चीज, किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि ये जो स्मार्टफोन सितंबर महीने पे गारंटीड इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। और अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें, जितना अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, इस स्मार्टफोन का प्राइस इंडिया पे होगा एग्जैक्टली 9,000 रुपए, ये पर हम कह सकते हैं कि 9,500 रुपए के आसपास। तो अभी हर वीडियो का जैसा इस वीडियो में आपको कहूंगा कि ये जो Realme C25Y नाम का स्मार्टफोन आने वाला है, क्या ये जो स्मार्टफोन बाकी कंपनी के साथ कॉम्पीट कर पाएगा या फिर नहीं। अब देखिए, इस प्राइस पॉइंट में जनरली बाकी कंपनी आपको हीलियो G85, G80, G88 प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है, यहां तक जो बैटरी कुछ कंपनी आपको 6000mAh बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन के बारे में बात करें जिसका नाम है Micromax In-1, वो तो आपको फुल HD+ डिस्प्ले दे रहा है। लेकिन ये जो Realme का स्मार्टफोन आने वाला है, इसमें आपको 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा सेंसर मिलेगा। अब देखिए, 64 मेगापिक्सल कैमरा वाला इंडिया का चीपेस्ट स्मार्टफोन है 13,000 रुपए पे। तो ऑब्वियसली अगर Realme 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर हमें 9,000 रुपए के आसपास प्रोवाइड कर पाता है, तो मेरे ख्याल से ये जो स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज का बहुत ही बढ़िया होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम ओरिजिनल वाले C25 के साथ कंपेयर करें तो C25 में आपको मिला था 6000mAh बैटरी, 18W का चार्जर, लेकिन क्योंकि इसमें आपको बेटर कैमरा मिल रहा है तो इसीलिए बैटरी में थोड़ा सा कम किया जा रहा है, जो कि होगा 5000mAh बैटरी, चार्जर में भी थोड़ा सा कम किया जा रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो C25Y नाम का स्मार्टफोन आने वाला है 9,000 रुपए में ठीक ठाक स्मार्टफोन साबित होगा। वैसे अभी आप मुझे इनके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो Realme C25Y जो कि 64 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप आपको प्रोवाइड करेगा, क्या आप इस स्मार्टफोन को 9,000 रुपए में लेना चाहेंगे या फिर इस प्राइस पॉइंट में अवेलेबल या फिर कोई अपकमिंग स्मार्टफोन लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे इसे कमेंट सेक्शन में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।